पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवी के द्वारा माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित, साथ ही पार्टी के संस्थापक दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर संगठन का विस्तार करने के लिए बृहद सदस्यता अभियान भी चलाया। इस दौरान बड़े पैमाने पर मतदान केंद्र स्तर पर पहुंचकर पार्टी के सदस्य बनाए गए। विधायक श्रीमती तनवी द्वारा स्वयं नीलकंठेश्वर वार्ड में मतदाताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान उनके साथ लोकेंद्र सिंह गौड़, राजपाल सिंह राठौड़, मिलुद में गीते आदि मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के इस अवसर पे खंडवा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तनवी जी हम सबके बीच में है। विधायक जी, आप बताएंगे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सदस्यता अभियान को लेके क्या कर रहे हैं? आज हमारे पंडित दीनदयाल जी ऐसे प्रखर नेता थे, जन योद्धा थे, जिनकी आज जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती के इस अवसर पर हम बूथ बूथ और सभी वार्डों में जाकर संगठन से हमारे कार्य किया है। सदस्यता अभियान का संगठन हम सदस्यता अभियान को पूर्ण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम सभी हमारे जनप्रतिनिधि इस संगठन अभियान में जुड़े थे और सदस्यता अभियान में सभी जुड़कर आज भी हम सभी को लक्ष्य दिया था कि सदस्यता अभियान का लक्ष्य हमें पार करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए। ये प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आज मैं रैदास वार्ड में गई, वहाँ पर मैंने 10-12 सदस्य बनाए और नीलकंठेश्वर वार्ड में भी आई हूँ, यहाँ पर भी माता शक्ति को मैंने सदस्य बनाया है। और जो मोबाइल से नहीं बन पाते हैं सदस्य, तो उनको ये फार्म प्रतिक्रिया है, उसे हमें प्रतिक्रिया को पूर्ण करके इस फार्म से भी हमने सदस्य बनाने का पूरा लक्ष्य लिया है। ऐसे कितने सदस्य बनाने का आज लक्ष्य लिया आपने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर? दिया है इसमें 15,000 का टारगेट विधायकों को दिया है, पर अभी हमने जेलिंग में खोल के देखे कि कितने बने हैं, जिसे हम अगर कम हमारे बने होंगे तो फिर हम इन लक्ष्य को पूरा शाम तक करने का प्रयास करेंगे और पूरे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।